बोलिए सद्गुरु महाराज जी की साचे दरबार की जय। जगत उद्धारक सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। एक बार परम आराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी को किसी भक्त ने जिज्ञासावश प्रश्न पूछा, गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है? गुरु महाराज जी कहते, अपना ध्यान रखना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। उस भक्त को इस बात को समझना एक पहेली से कम नहीं था। महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जिस समय दक्षिण की ओर कूच कर रहे थे, उस समय हालात बहुत खराब थे। उनकी सेना, परिवार सब बिछड़ चुका था। जहां तक कुछ साधक सैनिक बचे थे, उनका भी मनोबल टूट रहा था। उनमें से एक था भाई राम सिंह, जिसने मन ही मन ये निर्णय ले लिया था कि अब वो गुरु दरबार को छोड़कर परिवार में चले जाएगा। जिस समय ये बात दसम पातशाह को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए। जिस समय उनका परिवार उनसे बिछड़कर शहीद हो गया, तब भी वो दुखी नहीं हुए थे। लेकिन एक सेवक का दरबार को गुरु को छोड़कर जाने से वो बहुत दुखी हुए। अपने सेवक को कहते हैं, जाओ भाई राम सिंह को बुलाकर लेके आओ। गुरु की एक आवाज के ऊपर दौड़ा चले आने वाला राम सिंह आज गुरु वचनों को ठुकरा देता है। गुरुदेव सेवक को कहते हैं कि आप फिर राम सिंह के पास जाओ, उसके आगे तीन रेखाएं खींच देना, कहना पहली गुरु के प्रेम का प्रतीक है, दूसरी गुरु आज्ञा का प्रतीक है, तीसरी विश्वास का प्रतीक है। सेवक वैसा ही करता है। राम सिंह के आगे जाकर तीन रेखाएं खींच देता है, कहता है कि ये गुरु के प्रेम, विश्वास और आज्ञा का प्रतीक है, क्या तू इसे पार कर सकता है? राम सिंह ने जिस समय ये सब कुछ देखा, एक बार रुक गया, लेकिन साथ ही साथ उसके भीतर से एक आवाज आती है, राम सिंह मैं तेरा मन हूं, मन तेरा अपना मन, जो सदैव दुख सुख में तेरे साथ रहता हूं, ये सब तुझे रोकने के लिए एक नौटंकी है, इसलिए तूने अब रुकना नहीं है, घर जाना है। राम सिंह उन रेखाओं को पार कर जाता है। कभी ना प्रयास छोड़ने वाले गुरुदेव एक और प्रयास करते हैं। सेवक को कहते हैं, ये मेरा रुमाल ले जाओ, राम सिंह को कहना कि ये गुरु की पगड़ी का प्रतीक है, उसे आगे रख देना कि तू दरबार को छोड़ के घर मत जा, घर में जाना तेरे लिए ठीक नहीं है, दरबार में रहकर सेवा करने में ही तेरा कल्याण है। गुरु साधको, गुरुदेव हमें सच्चा प्रेम करते हैं, परंतु हम दंभी कपटी लोग फिर भी उनसे छल करते हैं, उन्हें छोड़ जाते हैं। वो सेवक गुरु का रुमाल लेकर राम सिंह के आगे रख देता है, कहता कि राम सिंह ये गुरुदेव की पगड़ी का प्रतीक है, गुरुदेव ने आपके सामने अपनी पगड़ी रखी है कि तू दरबार को छोड़ के मत जा, संसार में तेरा भला नहीं है। राम सिंह ने जिस समय ये दृश्य देखा तो एक बार सुन्न हो गया। उसकी आत्मा उसे कहती है, राम सिंह तू गुरु की पगड़ी को पार करके जाएगा, तू ये महापाप करेगा। साथ ही उसका मन उसे कहता है कि राम सिंह तू इस आत्मा की चक्कर में मत पड़, मैं तो सदैव तेरे दुख सुख में तेरे साथ होता हूं, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, छोड़ इन बातों को, क्या कभी रुमाल भी पगड़ी बन सकता है?
रुमाल को तो जहां मर्जी यूज करके फेंक दिया जाता है, परंतु पगड़ी को तो ऐसा नहीं किया जाता। इसलिए अब तूने दरबार की बहुत सेवा कर ली है, अब तूने केवल मात्र अपने परिवार को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, इसलिए अब तू घर चल। राम सिंह उस रुमाल को क्रॉस कर जाता है। मानो एक ग्वाले की गैया उसके खुंटे से रस्सी तड़वाकर कत्ल खाने में पहुंच गई हो। गुरु साहबान कहते हैं, जो गुरु से विमुख हो जाता है उसको धरती आसमां संसार में कहीं पर भी ठौर नहीं मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ आज राम सिंह के साथ। राम सिंह जिस समय गुरु दरबार को छोड़ के परिवार में गया, सबसे पहले उसे परिवार वालों ने उसे ठुकरा दिया। उसके पश्चात मोहल्ले वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया, यहां तक कि उसकी अपनी बुद्धि ने भी उसका साथ छोड़ दिया। राम सिंह एक पागलों की तरह दर बदर ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है। जहां पर भी उसको रुमाल दिखता अपने सिर पे रख के कहता, लोगों देखो ये मेरे गुरु की पगड़ी है, मेरे गुरु की पगड़ी। जब राम सिंह को ये बात समझ आई तब तक सब कुछ खो चुका था। राम सिंह आज ना परिवार का रहा ना दरबार का रहा। गुरु भक्तों, गुरु महाराज जी उस साधक को ये समझाना चाहते हैं कि आपने अपने आप को कुविचारों से, कुसंस्कारों से, बुरे कर्मों से बचाकर रखना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। गुरु साधको, यहां पर रुककर हमने चिंतन करना है, क्या हम भी मन के पीछे लग के अपने जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहे? यदि ऐसा है तो सजग हो जाएं साधको, अपने रोम रोम में ये बात बिठा लें कि गुरु के साथ जो प्रीत का संबंध बनाया है अंतिम प्राणों तक उसे हमें निभाना है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज ऐसे सेवक नहीं चाहते जो मन के संघर्ष के आगे हारकर गुरु दरबार से टूट जाएं। ऐसे सेवक चाहते हैं कि जो गुरुदेव के लिए, गुरु के मिशन के लिए टूट जाएं। गुरु भक्तों, मन दिया मन दे रहे, मनिया ना तेरिया, तू ता सदा सुने, असी सुनिया ना तेरिया। बोलिए सदगुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय, परम आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय।